नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनमोहन रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी जो अपनी ये एक सीरीज चल रही है मैथ और रीजनिंग से संबंधित, यानी कि नॉर्मल कैलकुलेशन जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उसकी पूरी सीरीज मैं बना रहा हूँ। पूरा आपको टाइप टू टाइप चलेगा। जैसे अगर मेन में आपने देखा, किसी भी संख्या को गुणा या वर्ग करना सिर्फ कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। इससे पहले एक टाइप बन चुकी है, वो आपने देखी होगी। अब आज अगली टाइप है, टाइप नंबर 2। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। टाइप नंबर 2, 100 के लगभग किंतु 100 से कम संख्याओं का गुणा करना, गुणा या वर्ग करना, गुणा या क्या वर्ग। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर 92 गुणा 95 आ गया, मान लो ये लिया, एक ले लिया मैंने 94 97, एक मैंने ले लिया 99 96। समझिएगा पहले, 100 के लगभग किंतु 100 से क्या है, कम है। 100 के तो लगभग है लेकिन 100 से क्या है, कम है। ऐसे संख्याओं को कैसे कैलकुलेट करें भैया? देखिएगा, 100 से कितना कम है मेरे भाई, ये 5। 100 से कितना कम है, ये 8। ऐसा जब भी कोई आ जाए, कल भी मैंने बताया था, इन दोनों संख्याओं जो भी है इनको गुणा करेंगे, माइनस माइनस को जब गुणा करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 8 × 5 = 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का यह है, आप सुविधा अनुसार इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो, जैसा भी आपको लगे। मेरा इजी रहेगा 5 घटाना, 92 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 87। कितना बचेगा, 87। इसका आंसर आ गया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस का कितना बेटा, 3। यह माइनस का कितना, 6। गुणा करेंगे दोनों को, 6 × 3 = 18। 6 देगा कितना, 18। 94 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 91। नॉर्मल संख्या। यहाँ पे देखिएगा, 100 से कितना कम है भाई, 4। 100 से कितना कम है, ये 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 4 = 28। 99 में से 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 89। जैसे मान लो आपको मैंने कल भी एक सवाल बताया था, जैसे 97 × 99 या आगे जैसे आ जाए 98 × 99। देखिए, 100 से कितना कम है भाई, 1। 100 से कितना कम है, 3। तो मैंने कहा जब संख्या 2 अंक की हो और 9 10 से कम आ रही हो तो 0 लिखते हैं, तो 3 × 1 = 3। तो 3 ना लिख कर क्या लिखूंगा, 0 3। 97 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 96 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, कितना 1, कितना 2, तो 2 × 1 = 2, तो 0 2 लिखूंगा भाई। 98 में 1 जाएगा तो 97, कोई दिक्कत। अगला सवाल अगर मान लो ये आ जाए मेरे पास, 88 × 88, 1000 आपके बेटा 84 × 84, 1 आपके पास आ जाए 85 × 85। हर टाइप का सवाल जो डाउट ना रहे, एक बार समझिएगा भैया, कितना कम है ये 100 से, 12। कितना कम है, 12। तो 12 × 12 करूंगा तो 12 × 12 = 144। कल भी मैंने बताया था, तो सिर्फ मुझे कितना लेना है, 44। 1 क्या हो जाएगा, हासिल। अगर 625 से कितना लेना है, 25। 6 क्या हो जाएगा, हासिल। मेरे पास 432 है तो कितना लेना है, 32। 4 क्या हो जाएगा, हासिल। अब समझिएगा, तो यहाँ से सिर्फ कितना लेना है, 44 लेना है। कितना लेना है, 44 लेना है। 144 में से सिर्फ 44 लेना। अब देखिएगा, कल वाले सवाल में जुड़ रहा था, आज में घटाना है। 88 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 76 बच जाएगा। और 76 में 1 जोड़ूंगा, यासिल बची हुई है ना, जोड़ने के बाद घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 77। एक बार फिर समझिएगा, 12 × 12 करूंगा तो कितना आएगा, 144। 44 विद्या हासिल बच गई।
88 में से 12 जाएगा तो कितना बढ़ेगा 76 और एक हासिल की कितना जाएगा 77। यहाँ देखिएगा कितना है भाई ये 16, कितना है ये 16, 16 गुना 16 करूँगा तो 200 कितना आ जाएगा 56। तो मुझे 256 में से सिर्फ कितना लेना है भाई ये 56, तो क्या बच जाएगा हासिल। अब देखिएगा 84 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 68, 68 और 2 कितना होगा 70, इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70। देखिए यहाँ पे कितना भाई 15, यहाँ पे कितना बेटा 15 15 15, 225, तो सिर्फ कितना लिखना है मुझे 25 लिखना है, कितना लिखना है 25। 85 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 70 और 2 हासिल कितना आ जाएगा 72। अरे इतना टेंशन मत लो, नॉर्मली भी आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो। यहाँ देखिएगा कितना कम है 8, या कितना है कितना कम है 5, 8 पंजो 40, जिसमें से आप या तो 8 में से इसमें से घटा दो, चाहे सुबह क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी घटा सकते हो। यहाँ पे कितना कम है 3, यहाँ पे कितना कम है 6, 6 का 18, 91 में से 3 जाएगा तो 94 में से 3 जाएगा तो 91। अब इस तरह के सवाल को आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।